हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करें ताकि हमारा व्यू है जो है बढ़िया से बेहतर आए, और हमारा जो इसमें सेटिंग है कोई सेटिंग मिस नहीं करेंगे, सभी सेटिंग को बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी सेटिंग को मिस ना करें। एक में एक भी सेटिंग आप छोड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट नहीं करें, सीधे पॉइंट पाते हैं हम लोग। यहाँ पर यूट्यूब को ऑन कर लेंगे। यूट्यूब को ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा प्लस का आइकन। यहाँ पे प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा। एक बोला है क्रिएट अ शॉर्ट्स, दूसरा बोला अपलोड अ वीडियो, दूसरा तीसरा है लाइव, और चौथा है क्रिएट अ पोस्ट। तो हमको यहाँ पे सेकंड वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपलोड अ वीडियो पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, हमारा वीडियो सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक है साउंड का ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइमलाइन, और यहाँ पे फिल्टर का मिल जाएगा ऑप्शन। तो हम ज़्यादा जैसे सबको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताता है आपको। यहाँ पे गाना आपको सिलेक्ट करना है, जैसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बहुत सारा गाना मिल जाएगा जो यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है हमको गाना। तो यहाँ पे हम बजा कर देख रहे हैं कौन सा गाना उस पर वीडियो पर मैच कर रहा है, और आपको यही सब ध्यान देना होगा कि जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो पर कौन सा गाना मैच कर रहा है उसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर गाना बजा कर देख रहा हूँ कौन सा गाना उस वीडियो पर सिलेक्ट जैसे मैच करेगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले गाना को ले रहा हूँ। इसे लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ तीर के ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये गाना सेट हो गया है, और सेट होने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट, अर्थात कौन सा आपको यहाँ पे टेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पर हम टेक्स्ट कोई लिख दे रहे हैं, जैसे कि आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सूर्या भाई। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ना ऑप्शन, इससे क्या होगा कि आप जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसका जो आपको देख रहे हैं, चले लाइव आपको दिखा रहे हैं क्या होगा। इसे देखिए, यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड है ना, पीछे वाला बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। और एक और ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर क्लासिक का ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया क्लासिक का ऑप्शन ना। इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट को लिखे हैं, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं करके, देखिए यहाँ पे जो स्टाइल है, स्टाइल चेंज हो जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। तो मैं इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पर आप जो इस पर जो कलर है, बैकग्राउंड का जो कलर है, इस कलर का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे हैं बहुत सारा आपको कलर दिया गया है। आप जिस कलर का भी लेना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर चुन लेना है, जैसे रेड हो गया, बहुत सारा कलर दिया हुआ है, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं हरे वाले का सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे ऊपर की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शन डॉन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लग गया है। अब इस टेक्स्ट को कितने देर के बाद हमको दिखाना है, यहाँ से हमको यहाँ पर आना है टाइम लाइन में, यहाँ से उसको सेट करेंगे हम लोग। तो चलते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऊपर की तरफ एक यहाँ पे ऑप्शन, देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका कैटेगरी दिख जाएगा ऑप्शन हमको। तो इस टेक्स्ट को किस कहाँ कब हमको दिखाना है, और यहाँ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। देख रहे हैं ये हमारा टेक्स्ट, इसके बाद दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिखाना है हमको, हमको दिखाना है यहाँ से। देखिए तो हम यहाँ पे चला कर दिखा देख रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है चला कर दिखने के लिए, मैं चला कर देख रहा हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे वो कितनी देर बाद शो हो रहा है। चलिए, इस वीडियो स्टार्ट हो गया हमारा। स्टार्ट होने के बाद यहाँ वीडियो में चल रहा है, और चलने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर हाँ, यहाँ से अब हमारा आ गया, यहाँ से हमारा टेक्स्ट शो होने लगा। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसको हम डाउन लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे, अब हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पर सेट हो जाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक और ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, आपको दिख जाएगा फिल्टर का ऑप्शन। इससे क्या होगा आपको, चलिए दिखाते हैं। फिल्टर है इसका जो फिल्टर करने का बोलता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, यहाँ वीडियो को क्वालिटी कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है।
तो हमको यहाँ पे इसको ले लेना है, कोई भी आप जैसे जिसको आपका अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको इस वाले को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये सेटिंग यहाँ इसमें का सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कोने में, एक नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो काम करना है, ये दो काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है यहाँ पे जो आपका वो थंबनेल है ना, थंबनेल कैसे लगाएंगे, थंबनेल लगाने के यहाँ पे बोलता है, तो इस पर तीन पर क्लिक कर दे रहे हैं हम। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी थंबनेल आपको लगाना चाहते हैं उस थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देख रहे हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख जाए कैटेगरी, तो आपको जिस पे भी जो भी थंबनेल लगाना चाहते हैं उसको थंबनेल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं थंबनेल में इस तरह का सेम थंबनेल लगाना है ताकि जो थंबनेल एट्रैक्टिव हो, अर्थात उसको देख कर बंदा क्लिक करे, क्लिक थ्रूआउट रेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना तो आपका वीडियो वायरल ज़रूर होगा, तो इस पर ध्यान देना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ये वाले थंबनेल लगा रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो एक दिया है इससे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे देखकर कि इसमें क्या होगा। सस्पेंस डाल रहे हैं, इसमें सस्पेंस डाले हैं हम, सस्पेंस होगा कि इसमें आखिर क्या होगा, आगे क्या होगा, इसमें क्या दिया है, इसमें सस्पेंस बोलते हैं। तो यूट्यूबर जैसे आप वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो थंबनेल बना रहे हैं, तो थंबनेल बनाते वक्त इस गलती को मत कीजिएगा कि सस्पेंस न दी, सस्पेंस देना ज़रूरी है किसी वीडियो में, ताकि बंदा सोचे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होगा, और करते करते पूरा वीडियो को समाप्त कर दें। इससे आपका जो है क्लिक थ्रू आउट नहीं, इससे इंप्रेशन आपका वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे नीचे की तरफ इस डाउन पर क्लिक कर देना है हमको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थंबनेल लगा लिए हैं। थंबनेल लगाने के बाद एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो इसको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, वीडियो को वायरल होने में या वीडियो को चलने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यही निभाता है। तो यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल लिखने के लिए तो टाइटल ऐसे लिखिए ताकि कोई अगला बंदा पढ़ रहा है तो पढ़कर वो वीडियो को क्लिक करे, इस तरह से हमें टाइटल लिखना होगा आपको। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टाइटल लिख दे रहा हूँ, जैसे इस वीडियो हम बताए हैं कि डाउनलोड क्वालिटी को इंक्रीज कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर को दोनों को मिलाकर लिखना है। तो फर्स्ट वाले जो लेटर होता है उस लेटर को हम यहाँ पे कैपिटल कर देंगे, जैसे कि यूट्यूब वाई, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, वाई ओ यू यूट्यूब हो गया हमारा, इस पहला लेटर है ना ये बड़ा है, कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल लेटर दिया हुआ है। और फिर से यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, माफ़ कीजिएगा ये कॉल आ गया। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे यहाँ पे हम ऐसे डाउनलोड, यूट्यूब डाउनलोड DAW डाउनलोड। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हम दिए हैं यहाँ पे देख रहे हैं आपको, इस पर ध्यान देना है, जो यहाँ फर्स्ट लेटर लिखे ना हम, ये हमारा है कैपिटल लेटर में और बाकी के सब लेटर हमारे स्मॉल हैं। फिर से यहाँ पे देंगे कैपिटल लेटर फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर क्वालिटी लिखेंगे, यूट्यूब डाउनलोड क्वालिटी इंक्रीज या कैसे बढ़ाएं। तो फर्स्ट फिर से देंगे कैपिटल KAI कैसे, फिर से देंगे बढ़ाएं। और यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, माफ़ कीजिएगा आपको सही से बता रहे हैं क्या कुछ समझ में आ जाता कि आपको, तो बढ़ाएं देख रहे हैं यहाँ पे आपको, माफ़ कीजिएगा चला गया, हट जाता है वहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड हट, इसे किसको बताएंगे तो कीबोर्ड हट जाएगा, देख लीजिए आप हमारे फिंगर को देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो अभी छोटा या बड़ा करता है ना, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे ऑप्शन दिख जाए आपको, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो लंबे तीर के निशान है ना, इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको एक टाइटल इंग्लिश में लिख देना है, कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम ये भी सेम उसी तरह से लिखना है, कैपिटल स्मॉल हाउ टू इंक्रीज INC माफ़ कीजिएगा INCRE इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज डाउनलोड क्वालिटी YouTube डाउनलोड क्वालिटी YouTube वीडियो डाउनलोड क्वालिटी YouTube वीडियोज डाउनलोड क्वालिटी। तो ये हो गया हमारा, फिर से यहाँ पे हम जो डबल जो तीर के निशान यहाँ पे लगा देंगे स्पेस देकर,
लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक और, जैसे आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे शॉर्ट्स हैशटैग शॉर्ट्स जरूर डालिएगा। यहाँ पे हैशटैग में शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं एक से एक हो गया है, तो इसको नहीं लेगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो टाइटल हमारा है, यहाँ पे कम से कम आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, 12 नहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितने आपका टाइटल छोटा होगा उतना ही लोग बढ़िया से पढ़ पाएंगे। सो आपको यहाँ पे कम से कम लिखना है, हमको वीडियो आपको बता रहा है, बना रहा है, इसलिए आपको हम यहाँ पे बड़े लिख रहा हूँ, नहीं तो हम भी छोटे से छोटा ही टाइटल लिखने का प्रयास करते। तो सो मैं यहाँ पे एक जो टाइटल, इसको एक स्पेस को मैं कम कर दे, एक वर्ड को मैं कम कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा एक वर्ड कम हो गया, तो हमारा 100 में 100 हो गया है, तो ये हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा सब जो जितने भी काम है उतना हम काम इसमें कर लिया, इंपॉर्टेंट काम। और करने के बाद यहाँ पे हमको अपलोड वीडियो लिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पे चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर वीडियो हमारा जो है, यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, 70% अपलोड हो गया। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे इतना काम किए हैं, बाकी काम जो हमें को है करना है, सो हमको YT स्टूडियो में जाकर करना है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हटाने के बाद मैं चले जा रहा हूँ अभी YT स्टूडियो में। हम लोग बैक आ जाएंगे YT स्टूडियो में। आ जाने के बाद हमको यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन कंटेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो वीडियो आप अपलोड किए हैं वहाँ पे शॉर्ट्स भी किए हैं ना, तो शॉर्ट्स में आ जाना है। शॉर्ट्स में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो शो होने लगेगा, जो वीडियो आप अपलोड किए हैं वो शो होने लगेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे कलम का निशान, इसको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, इंपॉर्टेंट दो तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग सेटिंग मिलेगा आपको। पहला सेटिंग मिलेगा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पे ऑडियंस, तीसरा मिलेगा प्लेलिस्ट, और चौथा मिलेगा आपको टैग्स। तो हमको ये जो भी इतने भी आपको वर्ड दिख रहा है ना, सब हमारा काम, ये काम का चीज़ है, तो सबको हमको सेटिंग करना होगा। यहाँ तक आपको डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे जो वीडियो को हम अनलिस्टेड करके अपलोड किया है, आपको ये जब भी वीडियो अपलोड करना है तो अनलिस्टेड पर ही अपलोड करना है। तो मैं इसको अनलिस्टेड अपलोड किया, आप भी अनलिस्टेड पर अपलोड कीजिएगा। आपको यहाँ पे और मिल जाएगा, ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। हमको आप बता रहे हैं ये ऑडियंस वाला है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा यस इट्स मेड फॉर किड्स, और दूसरा दिखेगा नोट नो इट्स नो मेड फॉर किड्स। अच्छा, इसमें इस दोनों ऑप्शन क्या है आपको बताते हैं। इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन है, तो बोल रहा है इसमें कि आप जो वीडियो दिखा रहे हैं तो क्या आप छोटे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा बोल रहा है कि आप छोटे बच्चों के वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो हमारे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। तो मैं नीचे वाले पर क्लिक कर दे रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए आप वीडियो बना रहे हैं मेड फॉर किड्स के लिए, तो आपको मेड फॉर किड्स पर क्लिक करना है। और मैं उसको नहीं बना रहे हैं तो आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है, तो मैं नीचे वाले पर क्लिक कर दे रहा हूँ नो इट्स मोड फॉर किड्स पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीर का आपको निशान दिखेगा, इसे बैक आ जाना है। यहाँ हम इस वाले का काम कर दिए हम, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया, दो कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरे में चले जाएंगे हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में। यदि आप प्लेलिस्ट बनाए होंगे तो इस पर प्लेलिस्ट में क्लिक डाल देना है आपको, और नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट बनाना जरूरी होता है ताकि हर एक कैटेगरी का वीडियो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दें, ताकि जो ऑडियंस आपका जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप जरूर डालिएगा। और ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। तीसरा चौथा काम हमारे पास किया है टेक्स्ट डालने के लिए, टैग। तो मैं टैग वाला पर क्लिक कर दे रहा हूँ, चौथा हमारा काम ये है टैग डालने के लिए, तो मैं टैग पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो अब है टैग डालने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिए आपको शॉर्ट्स रिमिक्स, और तीसरा ऑप्शन है कैटेगरी। ये जो आपका है कैटेगरी ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कैटेगरी। आपको इस पर जरूर ध्यान, बहुत मतलब बेहतर से बेहतर तरीके से ध्यान देना होगा कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। और चौथा है इंग्रीज एस्ट्रिक्शन, इसे छोड़िए ये कमेंट के लिए है। और पांचवा आपको दिख जाएगा कमेंट, सो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, अर्थात जो वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो को आप व्यूअर्स के लिए लाइक दिखाना चाहते हैं, लाइक बटन जो होता है ना, लाइक बटन पर जो लाइक आपको कितने मिला है वो नंबर शो कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमें जैसे आप न्यू क्रिएटर होंगे तो आपको इस वाले को बंद कर देना होगा, और जैसे आपको पास जो लाइक है 200-300 आता है तो आपको ये बंद कर देना है। यदि आपके पास लाइक
केवी में आता है तो जरूर उसको ऑन करना है, ताकि ऑडियंस जो है अधिकांशतः ऑडियंस जो होता है वो लाइक और देखकर ही वीडियो को आपको देखता है, नहीं तो समझेगा कि छोटा क्रिएटर से इसको क्या मालूम होगा, सो गलत सही बताएगा। सो आपको यहाँ पे जो लाइक है लाइक को बंद कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। और आपको नीचे का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको छोड़िए, इसको नहीं बताएंगे हम, इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको। चलिए कैटेगरी है, कैटेगरी बताते हैं आपको, कैटेगरी को मैं बताऊंगा, मैं सबको नहीं बताऊंगा, ताकि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी ऐसा ही हमको 15 मिनट का भी वीडियो बन गया है। और आगे बताते हैं, मैं जो काम का चीज़ उसी काम को चीज़ को बताऊंगा मैं, जो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ वो वीडियो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया हूँ। यदि आप जिस कैटेगरी का वीडियो बना रहे होंगे उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पे हमारा काम हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है ना, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताते हैं हमको हम। टेक्स्ट लिख टैग हो जो ना, टैग डालने के लिए आपको जो वीडियो बनाए हैं, जैसे आपका जो व्यूअर्स है, व्यूअर्स जो वीडियो आप डाल रहे हैं उस वीडियो को किस तरह से सर्च करके देखेगा, जो आप वीडियो डाले हैं उस वीडियो को व्यूअर्स आपका जो है वो किस तरह से सर्च करेगा वीडियो को। जैसे मैं क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए वीडियो डाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं दिमाग रहा हूँ मेरा जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स कैसे सर्च करेगा वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि YouTube वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें, YouTube डाउनलोड वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें, YouTube वीडियोज क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें। ये हमारे एक टेक डाल दिए हैं। दूसरा टेक डालने के लिए फिर देखेंगे दूसरा बंदा है, जैसे कोई और फिर और तरीके से ना सर्च कर सकता है, तो मैं इस वाले को डाल दे रहा हूँ, जैसे कि देख रहे हैं कि YouTube वीडियो डाउनलोड क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें, YouTube वीडियोज डाउनलोड क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें। मेरा दूसरा टैग हो गया, तो मैं तो वीडियो सब टैग डालूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं छोटे उतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ आपको, इतना आप डालिए। आप तो बहुत मतलब ध्यान दें, वीडियो बना रहे हैं, आपको यूट्यूबर हैं, तो आपको इन बातों को भी सोचना पड़ेगा क्या क्या हमको टैग डालना है। सिर्फ अधिक नहीं बता रहा हूँ। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं आपको, टैग में अपने चैनल का नाम और शॉर्ट्स, वीडियो बना रहे हैं तो शॉर्ट्स जरूर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ, स्टिच सूर्या भाई, हमारे चैनल है, चैनल का नाम डाल दिया। और दूसरे डाले हैं यहाँ पर शॉर्ट्स जरूर टेक्स्ट में डालना है, टैग में डालना है, यहाँ डाल दिए हैं। और चलिए डिस्कते हैं आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमको इसे क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने पहले हमको यहाँ पे जो टाइटल है ना, टाइटल यहाँ पे उस टाइटल को हमको कॉपी कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ लाएंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, कॉपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके कॉपी हो गया आपको, यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे योर क्वेरी लिख देना है। यदि शॉर्ट्स बना रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप सर्चेबल वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये भी इनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। सो आपको यहाँ पे योर क्वेरी है, योर क्वेरी दे देना है, ताकि इससे योर क्वेरी का मतलब होता है कि किस तरह से वीडियो आपको सर्च किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे योर क्वेरी दे रहा हूँ, तो वाई योर क्वेरी। यदि आपको ये क्वायरी गलती लिखा हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ताकि मैं और इसको सर्च करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको सर्च नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको गलती या सही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे जूती का निशान है, डॉट दे देंगे, यहाँ पे इंटरप्रेस कर देंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आपको जो टैग में डाले हैं ना, उसी तरह का यहाँ पे बता रहे हैं आपको हम। तो आपका जो व्यूवर्स है वो व्यूवर्स किस तरह से आपको वीडियो को सर्च करेंगे उसको इसमें लिख देना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे YouTube वीडियो क्वालिटी इंक्रीज, जैसे क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें, QU क्वालिटी प्रॉब्लम, और यहाँ पे YouTube वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम, यहाँ पे और लिख रहा हूँ YouTube वीडियोज डाउनलोड क्वालिटी इंक्रीज कैसे करें। तीसरा दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको लिखना है हाउ टू इंक्रीज
यूट्यूब वीडियो डाउनलोड क्वालिटी इंटर कर रहे हैं। आपको इस तरह से बहुत सारा जो है जितने आपको दिमाग में आइडिया है उतने उस तरह को आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे नीचे तो आपको दिख जाएगा एक, वो हट गया माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो रुक जाइए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ना कोने में तरफ 5000, आपको यहाँ पे 5000 वर्ड आपको दिया गया है कि 5000 वर्ड तक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो आपको ज़्यादा अधिक नहीं बताते आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इतना काम करते हैं, काम करने के बाद आपको यहाँ पे हैशटैग जरूर डालना है, मैं हैशटैग डाल दे रहा हूँ। मैं हैशटैग डालने के बाद यहाँ पे जैसे शॉर्ट्स है SHORTS शॉर्ट्स, हैशटैग YT शॉर्ट्स, ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, फिर यहाँ पे डाल देंगे हैशटैग। आप क्वालिटी बनाए ना वीडियो क्वालिटी बनाए तो क्वालिटी डाल दीजिएगा, QU क्वालिटी हैशटैग। आपको यहाँ पे डाल देना है डाउनलोड, डाउनलोड फिर हैशटैग यूट्यूब, फिर हैशटैग अपने चैनल का नाम डाल देना है टीच, यहाँ पर हमारा नाम शो हो रहा है डाल दिए हैं। इतना काम करते हैं, इतना काम करने के बाद आपको मेंशन करना है, मेंशन तो यहाँ पर मेंशन करने का इंटर का यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे एडरेट का है ना, एडरेट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका बड़ा क्रिएटर है, जो बड़ा क्रिएटर आपको जिसको जो वीडियो इस तरह का बनाता है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देना है टीच। यहाँ पे मैं अपना चैनल का पहले डाल दे रहा हूँ, अपने चैनल डालने के बाद यहाँ पे फिर से एडरेट डाल रहा हूँ, फिर से जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, उसके चैनल को सर्च कर रहा हूँ। जैसे कि टेक्निकल कोची है, ये भी बहुत बड़ा क्रिएटर्स है, इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। और तीसरा यहाँ पे मनोज देव यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और है मनोज सारू, ये भी बहुत बड़ा क्रिएटर्स हैं, उनको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि जो इनको वीडियो जो देखे तो उसके उनके वीडियो के नीचे हमारा वीडियो जरूर शो हो, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे सभी हमारा पूरा जितना भी हम सेटिंग है सब सेटिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेव का ऑप्शन, इसमें सेव कर देना है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो है टोटली जितना भी हमको यूट्यूब जैसे वीडियो अपलोड करते हैं जितना भी काम करते हैं उसी काम को इसमें सिखा दिए हैं आपको, सभी जितने भी सेटिंग्स हैं सेटिंग्स को बताए हैं। अब सेटिंग बताने के बाद आपको जितने भी मतलब इस वीडियो में हम एक भी कीवर्ड नहीं छोड़े हैं, जैसे कोई भी बंदा नहीं क्रिएटर से हो ये वीडियो को देखेगा तो मतलब दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब इस तरह से इसमें वीडियो में बताया गया है, मैं बताया हूँ। सो मैं आशा करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को बेहतर से बेहतर तरीके से समझे होंगे, और यदि आपको इस वीडियो में कोई आपको गलती दिख रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उस कमी को दूर कर सकूँ और वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद दोस्तों। और एक और बात भाई लोग, यदि हमारा वीडियो पसंद आए और वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको एक भी हमारा वीडियो मिस ना करें ताकि आप न्यू क्रिएटर होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। और मैं इसलिए और भी जो मेट्यूबे आपको वीडियो में जैसे यूट्यूबर न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है सही बातों की वीडियो में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, धन्यवाद।